क्या मतलब है आपका? हमने करवाया ये। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम शरीफ इन दिनों इमरान खान की सरकार से दो दो हाथ कर रही हैं, खुलकर पंगे ले रही हैं और उनके इस काम में उनके पति भी उनका सहयोग कर रहे हैं। सूचना है कि पिछले दिनों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मरियम शरीफ के पिता नवाज शरीफ पर पीएम नरेंद्र मोदी का प्रिय होने का इल्जाम लगा डाला। इमरान खान ने कहा कि नरेंद्र मोदी के चहेते लोगों में नवाज शरीफ शामिल है। बस फिर क्या था, उसके बाद मरियम शरीफ ने ताबड़तोड़ इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पर आरोप लगाते हुए कहा कि कश्मीर को थाली में रखकर भारत को परोसने वाले इमरान खान हैं, यूएन में पाकिस्तान की किरकिरी कराने वाले इमरान खान हैं, नरेंद्र मोदी से बात करने को तरसने वाले इमरान खान हैं और वो कहते हैं कि नवाज शरीफ मोदी के खास हैं। इससे पहले इमरान खान सरकार को घेरने के बाद बुरी तरह से बौखलाए इमरान खान ने मरियम शरीफ के पति को कराची के एक होटल से जबरन गिरफ्तार करवा दिया था। मरियम ने इस संबंध में जानकारी भी दी थी, ट्वीट करके बताया था कि उनके पति को जबरदस्ती होटल का गेट तोड़कर गिरफ्तार किया गया है। भाई कुछ भी हो, बात तो अच्छी है, भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी अब नरेंद्र मोदी के नाम की राजनीतिक दुकान सजने लगी। मनगढ़ंत स्कैंडल्स और खोद खोद के कीचड़ उछाल रहे हैं हम। आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं है जब मोटा भाई वहां भी मैनेजमेंट करते दिखेंगे।